Hello students, in previous video we have seen potential difference. Potential difference के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो चार्जेस के बीच में जो डिफरेंस होगा उनके कैपेसिटी के बीच में उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है. अब उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे हम. यू हैव टू कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द फिगर. डायग्राम में जैसे बताया हुआ है वैसे आपको सर्किट लगाना है, वो कनेक्टिंग वायर्स बल्ब को लगा देना है. आप देखोगे कि बल्ब ग्लो नहीं होगा. सेकंड सर्किट में आपको उसको एक सेल 1.5 वोल्ट का एक सेल लगा देना है, तो क्या होगा, वो बल्ब ग्लो हो जाएगा. अब हुआ क्या, एक्चुअली यहाँ पर हुआ ऐसे कि जब पहले आपने कनेक्टिंग वायर्स लगाए तो इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थे, बट उनको हम फ्लो नहीं कर पा रहे थे. बट जैसे आपने इसको सेल लगाया, सेल ने क्या किया पता है क्या, सेल को दो टर्मिनल्स रहते हैं, एक पॉजिटिव जिसको बड़े दंडी से बताया जाता है, ये बड़ी रेश, और एक निगेटिव जिसको छोटे लाइन से बताया जाता है, तो लार्जर लाइन एंड स्मॉलर लाइन. तो ये बिगर और स्मॉलर लाइन से पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ऐसे दो टर्मिनल रहते हैं सेल को. जैसे आपने इसको सर्किट के अंदर लगाया वैसे ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया. आप पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स के बीच में का डिफरेंस. तो ये डिफरेंस मिलने के बाद फिर हमने देखा कि ज्यादा से लेकर कम के पास इलेक्ट्रॉन्स यानी करंट फ्लो होता है, या तो वाटर फ्लो होता है या तो हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट का. देखा था ना हमने पिछले वीडियो में कि ज्यादा से कोई भी चीज कम की तरफ दौड़ती है, तो वैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज से ये निगेटिव चार्ज तक फ्लो होता है करंट. ठीक है, अब एक्चुअली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी करंट फ्लो होता है उल्टा. यानी एक्चुअल अगर करंट फ्लो देखा जाए तो ऐसा है करंट फ्लो, निगेटिव से पॉजिटिव की बात. बट अपने कन्वीनियंस के लिए हम कभी भी यूज दिखाते हैं ये एरो है. एरो का मीनिंग क्या है कि फ्लो ऑफ चार्जेस, तो ये कभी भी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ही फ्लो बताया जाता है. ठीक है, और तब जाकर ये बल्ब ग्लो हुआ. आप समझ में आया कि करंट कैसे फ्लो होता है, कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स के टर्मिनल्स में यानी वायर के टर्मिनल में बोलो या बैटरी के टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाता है, चार्जेस फ्लो होने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा, दो टर्मिनल्स के बीच में का गैप, निगेटिव में और पॉजिटिव में का फर्क, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है. उसका एसआई सिस्टम है वोल्ट. आपने देखा होगा सेल पर लिख कर रहता है 1.5 वोल्ट ऐसे लिख कर रहता है, यानी कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस वो देगा. ठीक है, अगले स्टैंडर्ड में तो इसके बारे में ज़्यादा में डीप नॉलेज है आपको, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रखना है हमको. सो वी हैव सीन दैट इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. इलेक्ट्रिक करंट ये किससे फ्लो होता है, चार्ज पार्टिकल्स. इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकंड कैन बी कॉल्ड यूनिट करंट. करंट मतलब क्या है फिर, कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस 1 सेकंड के अंदर फ्लो होते हैं, कितने चार्जेस कितने टाइम में फ्लो होते हैं उसको बोला जाता है करंट. ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलोम पर सेकंड. आप देखिए करंट मतलब क्या बोला मैंने, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम. कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो होता है उसको बोला जाता है करंट, है ना. अब करंट, अब चार्ज का एसआई यूनिट चार्ज का कूलोम सी, और टाइम का सेकंड, तो इसलिए करंट का एसआई यूनिट क्या है, कूलोम पर सेकंड, और उसको दूसरा नाम क्या है, एम्पियर, एम्पियर का करंट बोला जाता है. ठीक है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलोम अपॉन 1 सेकंड. तो ये है उसका एसआई यूनिट. उसके बाद है इलेक्ट्रिक सेल.
अब इलेक्ट्रिक सेल तो हमने अभी देखा कि एक सोर्स है, सोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्जेस इन सर्किट, सर्किट के अंदर चार्ज ये कंटिन्यूसली फ्लो होना चाहिए, इसलिए हमको सोर्स चाहिए, वो है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल बहुत से अब डिवाइसेस में, जैसे कि छोटे से मशीन, जैसे कि रिस्ट वॉच से लेकर सबमरीन तक इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट करने वाले इलेक्ट्रिक सेल्स प्रेजेंट है। आपने सोलर सेल भी देखे होंगे, तो अलग अलग सेल्स के अलग अलग वे है, बट उनको दो टर्मिनल्स रहेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। द इलेक्ट्रिक सेल्स वर्क ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। और ये इलेक्ट्रिक सेल का वर्क क्या है, इलेक्ट्रिक सेल पावर सप्लाई नहीं करता, इलेक्ट्रिक सेल पोटेंशियल डिफरेंस ही है वो क्रिएट रखता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो हमेशा तैयार रखता है, उतने पोटेंशियल डिफरेंस में उतने इलेक्ट्रॉन फिर फ्लो होते रहते हैं और उतना एक इतनी इलेक्ट्रिसिटी घूमते रहती है, ठीक है। ये ड्राई सेल जब हम देखेंगे तब समझ जाएंगे उसमें इलेक्ट्रिक सेल का वर्क। तो ड्राई सेल है नेक्स्ट टॉपिक, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय।